हाय, दिस इज गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन का सेट है 31-1। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा ए बी सी डी, इसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है। इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी पे यहाँ पे 90 डिग्री है। ए डी इक्वल टू 17 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना। ए डी कितना है अपना 17, तो ए डी है हमारा 17 सेंटीमीटर। उसके बाद ए बी है अपना 20, तो ए बी अपना ये हो गया पूरा का पूरा 20 सेंटीमीटर। फिर है डी एस 3, डी एस मतलब इतना सा बस, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ मैं। देन फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्किल। तो इस सर्किल की हमको रेडियस निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है? रेडियस। देखो डायग्राम में देखो, पहले बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखो। हमको ये रेडियस निकालनी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अच्छा, ये पी और क्यू वाले एंगल 90 डिग्री क्यों होंगे? सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90। तो ये बचा हुआ एंगल भी कितना होगा 90, यानी कि ये जो बनेगा हमारा, इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर। जब चारों एंगल सेम होते हैं तो वो या तो स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल तो होगा नहीं, क्योंकि इसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, ये भी आर है ये भी आर है, तो इसका मतलब इसके चारों साइड इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये जो क्यू बी की लेंथ है ये अपनी रेडियस के इक्वल होगी, और यहाँ पी बी की लेंथ भी अपनी रेडियस के इक्वल होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि किसी भी सर्किल पे एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो लेंथ में सेम होती है। तो जैसे यहाँ डी से दो टेंजेंट है, डी एस और डी आर, इन दोनों की लेंथ क्या होगी भाई? सेम, यानी डी एस इक्वल टू डी आर, और इनमें से एक वैल्यू हमको गिवन है किसकी? डी एस की 3, तो डी आर भी कितना हो गया 3। अच्छा, अब हम कौन सी निकाल सकते हैं? ए आर निकाल सकते हैं, ए आर वाली, है ना। ये कितना हो गया हमारा 3। अच्छा, ये टोटल कितनी थी 17, उसमें से ये 3 हटा दो तो ए आर बच जाएगा ना, तो ए आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ए आर इक्वल टू होगा हमारा ए डी माइनस आर डी, ए डी माइनस आर डी या डी आर। तो ए डी टोटल थी 17, उसमें से हमने ये 3 हटा दी तो हमारा ए आर बच गया। ए आर की लेंथ कितनी आ गई? जो कि 14। ए आर की लेंथ कितनी आ गई भाई? 14। चलो देख लेते हैं, तो ये ए आर है वो हमारा आ गया है 14। अब ध्यान से देखो, ए पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक तो ए आर और इधर है ए क्यू, तो ए आर और ए क्यू क्या होंगे भाई? इक्वल। ए आर इक्वल टू ए क्यू, जिसकी दोनों की लेंथ कितनी हो गई? 14 14। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। तो अब तुम ही बताओ भाई, ये लेंथ निकालनी हमको क्यू बी, क्यू बी कैसे निकलेगी भाई? ये टोटल में से ए बी में से ए क्यू माइनस कर देंगे, टोटल था अपना 20, उसमें से ये 14 हटा दो तो ये क्यू बी आ जाएगा हमारा, है ना, क्यू बी, और जो कि हमारी रेडियस के इक्वल होगी। तो क्यू बी कैसे निकलेगी हमारी? 20 में से 14 माइनस कर दो, 20 माइनस 14 कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी रेडियस आ जाएगी, जो कि हमारी होगी 6 सेंटीमीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी जितनी वैल्यू गिवन थी वो हमने लिख दी। सबसे पहले देखा डी एस से स्टार्ट किया, तो डी एस 3 है तो इधर भी 3 होगा, टोटल ये 17 है, 17 में से 3 गया तो इधर बच गया 14। अब इधर 14 है तो इधर भी 14 हो गया, क्योंकि टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल। ये टोटल 20 था, ये 14 है, तो ये क्यू भी कितना बच जाएगा भाई? 6 माइनस करके, है ना। तो ये किसके इक्वल होगी? रेडियस के इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया कि ये क्या बनेगा? स्क्वायर। तो ये अगर 6 है तो ये भी 6 होगी, मतलब कि रेडियस हमारी आ गई 6। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।